नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की आज की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि कोरोना पुनः रफ्तार पकड़ रहा है, तो आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कड़कड़ाती ठंड के कारण महानगर में लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। मंगलवार को भी मुरादाबाद में पारा 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास नोट किया गया। दोपहर 1:30 बजे के बाद लोगों को हल्की धूप के दर्शन हो पाए। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा, अभी ठंड का प्रकोप कम से कम 3 दिन और होने की बात कही है। बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार को चुनाव कराने के लखनऊ हाई कोर्ट बेंच के आज आए फैसले के बाद महानगर में निकाय चुनाव को लेकर पुनः सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इन चुनावों में हाथ आजमाने के इच्छुक उम्मीदवार अब जल्द ही चुनाव होने की उम्मीद में अपने दल बल के साथ पुनः मतदाताओं से संपर्क करने में जुट गए हैं। हालांकि दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी की ओबीसी आरक्षण के बाद ही चुनाव कराने की घोषणा के बाद पुनः नगर निकाय चुनाव लंबी अवधि तक टालने के आसार बन गए हैं। मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा मंगलवार को ईवीएम वेयर हाउस का आंतरिक निरीक्षण किया गया और मौजूद अधिकारियों को ईवीएम वेयर हाउस की व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कटघर थाना क्षेत्र में रामगंगा पुल के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार सरकड़ा खास निवासी इंटरमीडिएट के छात्र 20 वर्षीय संजीव पुत्र राजाराम को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे के बाद दुर्घटना करने वाला वाहन चालक में वाहन के फरार हो गया। पुलिस को छात्र जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा मिला। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बावजूद जिले में अग्निशमन विभाग की व्यवस्थाएं 2M दर्जे की हैं। महानगर में 15 मंजिला इमारतें हैं, मगर अग्निशमन विभाग के पास इन ऊंचे भवनों में आग बुझाने के लिए कोई संसाधन नहीं है। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के लिए विभाग वर्षों से प्रयासरत है, मगर इस वर्ष भी कमी पूरी नहीं हो सकी। मात्र 20 मीटर की सीढ़ी के सहारे विभाग घसीट रहा है। इतना ही नहीं, आत्महत्या के इरादे से ऊंचाई पर चढ़ने वालों को उतारने के लिए भी जाल और फॉर्म के गद्दों का इंतजाम नहीं है। कर्मचारियों का भी टोटा है। इस वर्ष जिले में 2 नए अग्निशमन केंद्र तो बने, मगर कर्मचारियों के आवास अभी तक नहीं बन पाए। इससे कर्मचारियों को जिला मुख्यालय की दौड़ लगानी पड़ती है। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु मंगलवार को मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में मंडल आयुक्त अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह सहित मंडल के विभिन्न विभागों के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा ने अपने कार्यालय पर जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुरादाबाद में आप सबकी रसोई की संस्थापिका ऋतु विश्नोई का मंगलवार सुबह निधन हो गया। ऋतु देहरादून के जियोली ग्रांट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में एडमिट थी। 19 दिसंबर की सुबह घर में अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। ऋतु को देहरादून ले जाया गया था। रितु के पारिवारिक मित्रों का कहना है कि उन्हें लंग्स इन्फेक्शन था। रितु विश्नोई ने अपनी समाज सेवा की भावना से महानगर में अपना एक अलग स्थान बनाया था। अब शहर की तर्ज पर ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छता व सुंदरता पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 शुरू हो गया है। पहले और दूसरे चरण में ग्राम पंचायतों से स्वमूल्यांकन आधारित आवेदन मांगा गया है। 31 दिसंबर तक सभी ग्राम पंचायतों को पहले चरण में आवेदन करना है। 5 दिसंबर तक अब तक 365 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया है। दूसरा स्वमूल्यांकन आधारित आवेदन 30 अप्रैल 2023 तक करना होगा। रामगंगा विहार स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि कॉलेज के गेट पर ही एक युवक ने उसकी बेटी का रास्ता रोककर छेड़छाड़ शुरू कर दी। लड़की के साथ छेड़छाड़ होती देखकर अन्य लोग मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दे दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस युवक की तलाश कर रही है।